हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना। ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेस्टिंग, तो देखिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कैसे हम ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट का मतलब चेक करेंगे, कह लीजिए कि किस प्रकार से हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ये भी जानेंगे। और आखिर वह टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, है ना। देखो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग है, कह सकते हो। पहला है क्रैकल टेस्ट, दूसरा एसिडिटी टेस्ट और तीसरा डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट। पहला कौन सा है? क्रैकल टेस्ट, फिर एसिडिटी टेस्ट, फिर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट। ये तीन टेस्ट मेनली जो होता है परफॉर्म किया जाता है ट्रांसफार्मर के ऑयल के लिए। हालांकि अगर मतलब देखोगे जहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें जनरली जो होता है ना, सिर्फ एक ये परफॉर्म किया जाता है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट, बाकी ये दोनों का वैसा कोई विशेष यूज़ नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए, क्रैकल टेस्ट, है ना। कौन सा टेस्ट? क्रैकल टेस्ट। देखो क्रैकल टेस्ट जो होता है ना, जनरली अगर बोला जाए तो क्रैकल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट को जानने के लिए, कि जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के लिए उस ऑयल में मॉइस्चर प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके लिए क्या किया जाता है? क्रैकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, ये समझिएगा। ये पता चला आपको क्रैकल टेस्ट क्यों करते हैं? जनरली प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर को चेक करने के लिए करते हैं, कि ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रैकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं इस चीज़ को समझिएगा। क्या करते हैं हम लोग, एक बीकर लेते हैं। देखे होंगे कभी मतलब लैब वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे एक फ्लास्क टाइप से बना हुआ रहता है, कांच का, ग्लास का, है ना। फ्लास्क कहते हैं उसको या बीकर कहते हैं। वो बीकर हम लोग लेते हैं, है ना, जो केमिकल के लैब में, केमिस्ट्री के लैब में होता है जनरली ये सब। ट्वेल्थ वगैरह में देखे होंगे, जो लैब किए होंगे उनको पता होगा। तो वो बीकर हमने लिया। अब बीकर में क्या करते हैं, 250 ml हम लोग ऑयल लेते हैं। अब ऑयल कौन सा? ट्रांसफार्मर का, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल हम लोग डालना है या ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है जिसमें भी चेक करना होगा हमें, क्या करेंगे उससे हम 250 ml ट्रांसफार्मर का ऑयल लेंगे एज ए सैम्पल। अब उस ट्रांसफार्मर के ऑयल को हम क्या करेंगे, बीकर में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, एक रेड हॉट आयरन ट्यूब या फिर आप कह सकते हो कि गर्म आयरन पीस, मतलब आयरन रॉड लेंगे, जिसका डायमीटर रहेगा 12.5 mm। कितना रहेगा? 12.5 mm। उस गर्म आयरन रॉड को हम उस बीकर में डालेंगे, या जो रेड हॉट ट्यूब है उस बीकर में हम क्या करेंगे, डालेंगे। अब सोचो, गर्म रेड हॉट ट्यूब मतलब जो गर्म है, रेड हॉट ट्यूब है, गर्म है हालांकि, अब गर्म को हम ऑयल में डाल रहे हैं तो जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसमें वो क्या करेगा, एक हिसिंग साउंड मतलब उसमें प्रोड्यूस होगा। अगर होगा तब हिसिंग साउंड होगा, तो इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि अच्छा उसमें मॉइस्चर है। क्या होगा, उस ऑयल में मॉइस्चर है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑयल को फिल्टरेशन करना पड़ेगा, मतलब उस ऑयल को फिल्टर करना पड़ेगा। ऑयल को फिल्टर करने के बाद फिर हम ट्रांसफार्मर के ऑयल में डाल सकते, मतलब ट्रांसफार्मर के टैंक में डाल सकते हैं। इसका एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, कभी लोहार के पास गए होगे, लोहार के पास गए होगे तो देखे होगे कि वो जो लोहा गर्म करता है ना उसके ऊपर पानी छिड़कता है। या घर में भी आप देखे होगे कि जो रॉड, कभी रॉड गर्म रॉड रहता है, उस गर्म रॉड के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कोगे तो एक हिसिंग साउंड होता है, अजीब सा साउंड होता है। देखे होगे, नहीं देखे हो तो करके देखना। आग में लोहा का रॉड ले लेना, लोहा के रॉड को आप आग में डाल देना, ज़्यादा मत करना, कम ही करना ना, तब भी पता चल जाएगा। गर्म कर देना और उसके ऊपर पानी डालना तो हिसिंग साउंड आएगा। भैया वो पानी के वजह से हिसिंग साउंड आता है, ऑयल डालोगे तो नहीं होगा, समझ रहे बात को। ये जनरली लोहार वगैरह जो होता है, जो लोहा पीटता है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो घर में अगर आप देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अरे बेस्ट एग्जांपल आप बताते हैं, रोटी बनाए होगे, अगर आप बनाते होगे तो जनरली जो बैचलर लाइफ जी रहे होंगे डेफिनेटली रोटी बना रहे होंगे। रोटी बनाने के बाद जब तवा गर्म रहता है, तवा गर्म रहता है ना, तो उसके बाद आप क्या करो, वही गर्म तवा को आप जो नल है जहाँ पे, या उस पे पानी डाल के देखो कैसा साउंड आता है, एक हिसिंग साउंड आएगा, छन सा, है ना। तो वही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप गर्म रॉड पे पानी डाल रहे हो तब एक हिसिंग साउंड आता है, अर्थात मतलब वो पानी है। तो यही ऑयल जो है, उस ऑयल में अगर मॉइस्चर कंटेंट रहेगा और गर्म रॉड को उसमें डालोगे तो क्या होगा, हिसिंग साउंड आता है। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि उसमें क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट है। समझ में आई बात, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम में देखिए, ये बीकर बना हुआ है, ठीक है, एक बीकर है, ये जो है रेड हॉट ट्यूब ऑफ 12.5 mm डायमीटर, ये जो होगा हमारा डायमीटर बोलते हैं इसको हम, है ना, नहीं लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो, या इसी को आप बोल सकते हो आयरन रॉड, आयरन रॉड भी बोल सकते हो, ऑफ 12.5 mm डाया, है ना, आयरन रॉड। लेकिन ये हॉट रहेगा, ध्यान रखना, ये मतलब हॉट रहेगा, ठीक।
बट रहेगा। अब ये क्या हो गया, अगर ये मान लो ट्यूब है तो इस तरह से ट्यूब बना रहता है जनरली, ये बट हॉट रहेगा, ये भी ध्यान रखना। अगर आयरन लेते हो तो ये भी हॉट रहेगा। अब इस जो बीकर है, इस बीकर में हम लोग सैंपल ऑयल लिए, कितना 250 ml तक लिए हम लोग, तो ये हमारा ऑयल हो गया, ये सैंपल ऑयल। और यही रॉड को हम जैसे इस बीकर में डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कुछ हिसिंग साउंड होगा। कब? जब उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तब। मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होगा तब नहीं आएगा, अगर होगा तब आएगा। तो समझ जाना पड़ेगा हमको, ये तो पता चल जाएगा ना कि अगर मॉइस्चर होगा तब हिसिंग साउंड आएगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो हिसिंग साउंड नहीं आएगा। समझे मेरी बात को? तो यही हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्रैकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। किस लिए? तो मॉइस्चर कंटेंट को चेक करने के लिए। किस में? ट्रांसफार्मर के ऑयल में। आइए ध्यान दीजिए था, क्रैकल टेस्ट। देखिए, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द इंसुलेटिंग ऑयल। इंसुलेटिंग ऑयल में जो मॉइस्चर प्रेजेंस होता है या जो प्रेजेंट होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रैकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये देख लेना। टू परफॉर्म दिस टेस्ट ए सैंपल ऑफ 250 ml, कितना ml लेते हैं, 250 ml ऑयल का हम सैंपल लेते हैं, इज टेकन इन ए बीकर। यही हो गया, ये एक बीकर हो गया और इस बीकर में हम क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं, कितना, सैंपल के तौर पे 250 ml लेते हैं। अब भैया पूरे ऑयल को तो आप नहीं टेस्ट करोगे, अब थोड़ा सा ऑयल ख़राब है तो मतलब पूरा ऑयल ख़राब होगा, तो थोड़ा सा ही हम टेस्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा भी कर रहे हैं उसमें भी अगर खराबी है तो इसका मतलब पूरा ख़राब होगा। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ होता है, क्योंकि ऑयल तो सब एक ही जगह होगा ना, उससे हम कहीं से निकाल लिए, थोड़ा सा सैंपल निकाले, निकाल के हम चेक कर लिए। बहुत अधिक आपको करना है तो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर है तो उसके टॉप से निकाल लीजिए, फिर बॉटम से निकाल लीजिए, तो दो जगह से निकाल के देख लीजिए, तीन जगह से निकाल के देख लीजिए, लेफ्ट साइड से निकाल लीजिए, राइट साइड से निकाल लीजिए, जहाँ से निकालने का पॉसिबिलिटी है। ऑयल में रहता है बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम रहता है ना, ड्रेन वॉल्व बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ड्रेन वॉल्व, जहाँ से ऑयल बाहर निकाला जाता है। समझे बात को? तो एक फिल्टर वाल्व भी होता है जिससे ऑयल भरा जाता है ना, तो ड्रेन वाल्व जहाँ जहाँ वहाँ से आप ऑयल निकाल लीजिए, और निकाल के जनरली टॉप पे और बॉटम पे रहता है ड्रेन वाल्व, वहाँ से ऑयल को आप निकाल सकते हैं। तो वहाँ से निकाल के आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि दोनों जगह में अगर मिल रहा है एसिडिटी, सॉरी अगर मॉइस्चर होगा तो यहाँ पे छन्न साव आ जाएगा, हिसिंग साउंड आएगा, नहीं आएगा तो सही है। समझ बात को यहाँ तक क्लियर? अब देखिए क्या है, वन आयरन रॉड ऑफ 12.5 mm डायमीटर, एक आयरन रॉड लेते हैं जिसका डाया कितना रहता है 12.5 mm, इज मेड रेड हॉट, मतलब कि गर्म किया जाता है, गर्म करोगे तो लाल हो जाएगा लोहा, ये तो पता है आपको, तो रेड हॉट मतलब गर्म किया जाता है, एंड डीप्ड इन दी सैंपल ऑयल, और क्या किया जाता है, सैंपल ऑयल में उसको डीप किया जाता है, मतलब डुबाया जाता है। समझ रहे बात को? फिर क्या होता है भाई रिजल्ट में, इफ देयर इज एनी हिसिंग साउंड कमिंग, अगर किसी प्रकार का कोई हिसिंग साउंड आता है, किससे, ऑयल से, जिसमें कि आपने डिप किया है रेड हॉट को, तब थ्रू द ऑयल इन द बीकर, बीकर में जो ऑयल होगा उस ऑयल से किसी भी प्रकार का हिसिंग साउंड आएगा, देन इट इंडिकेट्स, यह इंडिकेट्स करता है, क्या इंडिकेट्स करता है, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट्स इन द ऑयल, ऑयल में जो मॉइस्चर प्रेजेंस है उसको ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। कब? जब रेड हॉट ट्यूब को आप बीकर में डालोगे और हिसिंग साउंड आएगा तब। विच will be considered not suitable for use. अब मान लो कि उस ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर है, अगर उस ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर है तो क्या हम उस ट्रांसफार्मर के ऑयल को यूज कर सकते हैं, क्या बता, उस ट्रांसफार्मर के ऑयल को यूज कर सकते हैं, नहीं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो ऑयल में मतलब प्रेजेंस रहेगा मॉइस्चर का, उस ऑयल को हम लोग यूज नहीं करेंगे, या उसको हम यूज करने के लिए गुड कह सकते हैं, अच्छा नहीं मानेंगे। समझ में आई बात? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टेस्ट है एसिडिटी टेस्ट। एसिडिटी टेस्ट किस प्रकार से करेंगे वो भी देखते हैं, पहले नोट कीजिए।